बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद अवैस गिलानी। हमारी पाकिस्तानी एक लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, हिना बयात, जिनकी एक वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुई हुई है सोशल मीडिया की। अप्रॉक्सीमेटली हर ऐप के ऊपर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह पर आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उसका एक क्लिप आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। आप पहले वो क्लिप देख लें, फिर उसके बाद हम लोग अपने इशू के ऊपर बात करते हैं। क्यूट से बॉय साथ फ्लर्ट कर रही थी ना, तो मैं यहाँ अपने से 20 साल बड़े आदमी को एक महीने तक दिन में दो दफा हैंड जॉब्स दे रही थी, हर किस्म के जॉब्स दिए। लेकिन उस पहले हैंड जॉब की कसम, तुम मुझे यहाँ से हिला नहीं सकोगी। तो ये हमारी माशाल्लाह से लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं पाकिस्तान की, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर काम किया, और अप्रॉक्सीमेटली हर ड्रामे के अंदर उन्होंने माँ का रोल अदा किया है। मुझे आपकी वुमेन एम्पावरमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आप लोगों के मैसेज कन्वे करने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो तरीकाकार आप लोगों ने इस्तेमाल किया है उसके ऊपर आप लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए, बल्कि शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस तरीके की फाउल लैंग्वेज और जिस तरीके की गाली गलोच आप लोगों ने इस्तेमाल की है, मतलब कोई माँ बहन की ऐसी गाली नहीं है जो इस सीरीज़ के अंदर नहीं दी गई। इंग्लिश की कोई गाली ऐसी नहीं है जिसको इस्तेमाल ना किया गया हो इस वेब सीरीज़ के अंदर। हम लोग एक इस्लामिक रियासत में रहते हैं जिसके अंदर बुरखे को बहुत अजीम समझा जाता है। पहला तो आपका जो टाइटल है वो आपने चुड़ैल्स के नाम से दिया, और उसके अंदर बुरखा पहने हुए औरतें, मतलब आप लोग क्या बुरखा पहनी हुई औरतों को ये साबित करा रहे हो कि वो शराबें पीती हैं, वो चरसें पीती हैं, वो कानून के बालातर जाकर काम करती हैं। और आप लोगों ने अपने इसके अंदर एक डायलॉग है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा जो इसके अंदर बोला गया। कानून मर्दों ने बनाया, अगर हम इसको तोड़ भी दें तो क्या है? क्या ये दिखाया जा रहा है कि कानून को तोड़ दो तो कोई इशू नहीं है? मेरा आपसे सिर्फ सिंपल एक सवाल ये है, जितनी भी इसकी कास्ट है और इसके डायरेक्टर जो हैं और इसके प्रोड्यूसर जो हैं, राइटर साहब जो हैं, आप सबसे मेरा एक सवाल है कि क्या आप लोग अपनी फैमिली के साथ, अपनी माँ बहन बाप बेटे के साथ बैठकर, भाई के साथ बैठकर इस वेब सीरीज़ को देख सकते हैं और वहाँ पर बैठ के आप प्राउडली ये कह सकते हैं कि जी हम लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की है? देखें जी, ये मैसेज था जो हम लोग कन्वे कर रहे हैं, मतलब ये कौन सा घटिया मैसेज है जो आप लोग हमारी बच्चियों को कन्वे करना चाह रहे हैं? ये कौन सी वुमेन एम्पावरमेंट है जिसका आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर बात कर रहे हैं? और सबसे शर्मनाक बात जो इस वेब सीरीज के अंदर है वो ये है कि एक्ट्रेसेस इसमें चरसें पीती हुई दिखाई गई। क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट है? शराब पीती हुई एक औरत दिखाई गई, वो अदाकार ने पूरी वेब सीरीज के अंदर कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा शॉट नहीं होगा जिसके अंदर उसने शराब की बोतल को छोड़ा। जो सबसे बड़ा फ्लॉ है इस वेब सीरीज के अंदर वो ये है कि एक स्कूल की बच्ची को दिखाया गया है कि वो अपने बाप से बहस करती है, उसको अपने बाप से नफरत है। वो किस रीज़न से? कि उसको बाप उसको जो है वो इस चीज़ के ऊपर रोकता है कि तुम्हारा बाहर लड़कों के साथ रिलेशनशिप है, जो कि गलत है। इवन दो इस वेब सीरीज़ के अंदर उस बच्ची का फिजिकल रिलेशनशिप दिखाया गया कि वो अपने घर से भागती है और उस लड़के के साथ जाकर वो लिविंग रिलेशनशिप में रहती है और उसके अंदर उसका फिजिकल रिलेशनशिप है उस लड़के के साथ, हमारे मज़हब या हमारे इस्लाम में या हमारे पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ तो नहीं है। आसिम अब्बासी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपके घर में आपकी माएँ बहनें बीवी बेटी क्या इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करती है जिसको आप इसके अंदर लेकर? क्योंकि आप लोगों के एक इंटरव्यू के अंदर मैं इस चीज़ को देख रहा था जी, कि हम लोगों ने इसको रियलिस्टिक लुक देने के लिए इसके अंदर फाउल लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, एब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ किया है, तो क्या आप लोगों के घरों में इस तरह की ज़ुबान को इस्तेमाल किया जाता है? यकीनन नहीं किया जाता होगा। तो अगर यकीनी तौर के ऊपर आप लोग अपने घरों के अंदर ऐसी ज़ुबान को इस्तेमाल नहीं करते तो आप लोगों को ये क्यों दिखा रहे हैं? ये कौन सी रियलिस्टिक किस्म का कंटेंट है जो आप लोग लेकर आए हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि देखें जी हम लोगों ने कितना महान किस्म का काम किया? दूसरा जो सबसे बड़ा इशू, लेस्बियन, आई एम सॉरी टू से मुझे इस तरह की ज़ुबान बोलनी पड़ी, इस्तेमाल करनी, मुझे बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन क्योंकि हम लोगों का काम है आप लोगों तक हकीकत पहुँचाना, लेस्बियन रिलेशनशिप को फ़रोग दिया गया इस वेब सीरीज़ के अंदर। खुदारा शर्म करें, हया करें, आप लोग कुछ एथिक्स रखें अपने अंदर कि आप लोगों किस तरह का कंटेंट हमारी आवाम को दिखा रहे हो। अगर आप लोगों ने मैसेज कन्वे करने ही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करनी है, तो बीबी फातिमतुल ज़हरा की बात करें आप लोग,
अगर आप लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है तो पाकिस्तान के लिए जितनी जदोजहद फातिमा जिना ने की है उसके बारे में आप लोग बात करें। ये जो आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, जो आप वुमेन एम्पावरमेंट दिखा रहे हैं, ये वुमेन एम्पावरमेंट कहीं पे भी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज़ अ रियली स्मॉल कम्युनिटी जो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात करते हैं। ये शायद उन लोगों का एजेंडा होगा, ये शायद इस वेब सीरीज को फंडिंग करने वाले वो लोग होंगे। हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई भी ना माशरा है, कोई भी ना खातून है जो इस तरह की ज़ुबान को इस्तेमाल करती है, जो इस तरह के कामों को फ़रोग देती है। तो लिहाजा अगर आपने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करनी है तो किसी बेहतर तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात करें, इस तरीके से ना करें। तो लिहाजा मेहरबानी करके इस तरीके का कंटेंट हमारे मुल्क में लाने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इसके जितने भी अदाकार, राइटर, डायरेक्टर वो पाकिस्तान से हैं, और पाकिस्तान का जो स्लोगन है दैट इज़ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का काम ये नहीं है। लिहाजा ये कंटेंट्स, ये सोच, ये आप अपने हद तक रखें। जो फॉरेन फंडिंग्स आपको हो रही हैं, जिस वजह से, जिन एजेंडों के ऊपर आप लोग बात कर रहे हैं, जिन एजेंडों के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप लोग पाकिस्तान की आन शान सब कुछ हैं, आप लोग हमारे एक्टर्स हैं, आप लोग हमारे फनकार हैं, काइंडली आप लोगों को इस तरह का काम करना सूट नहीं करता। और ख़ास तौर पे ये हिना ख्वाजा साहिबा के लिए मेरा छोटा सा पैगाम है कि आप एक बहुत रिस्पेक्टेबल खातून हैं, आपको इस तरह का काम और इस तरह का कंटेंट आगे लेकर आना या उसके बारे में बोलना प्लीज़ शेवा नहीं देता इस चीज़ का। बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।